हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये रिवर्सिबल पैटर्न है, दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो ये पैटर्न हमारा दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। जिस प्रोजेक्ट में आपने दोनों साइड यूज़ करनी है, वहाँ पर इस पैटर्न को आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि मफलर है, शॉल है, वहाँ पर इस पैटर्न को डालिएगा, बहुत ही सुंदर बन के आता है। इस पैटर्न को आप जैकेट में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में, कहीं भी डालिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। सिर्फ एक ही लाइन का डिज़ाइन है, इसी एक लाइन को हम दोनों साइड से रिपीट करेंगे, सीधी साइड में भी और उल्टी साइड में भी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसान और कितना सुंदर सा ये हमारा बुनाई का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। कोई भी फंदे हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, 2-2 के जोड़े के हिसाब से फंदे ले लीजिएगा। तो यहाँ निडिल पे मेरे 14 फंदे हैं, यानी कि 14 फंदे यहाँ सिलाई पे मेरे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा, उसके बाद हमने 2 बेसिक रो बनानी है। सबसे पहले एच के फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1-2, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी 1 बेसिक रो बन गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारी 2nd बेसिक रो है। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे हमारे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, और लास्ट में एच के फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी 2nd बेसिक रो बन के कम्प्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 बेसिक रो बना लिए हैं। अब ये बेसिक रो हमने एक ही बार बनानी है जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे, दोबारा ये बेसिक रो हमने रिपीट नहीं करनी है। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा, ये हमारे डिज़ाइन की 1st रो है। एच के फंदों को हम स्लिप करेंगे, अब यहाँ 2 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, दोनों फंदों को, उसके बाद वापस से लेफ्ट हैंड की निडिल पर ले लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर फंदा हमारा सीधा हो जाता है। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बनते हुए। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है, यहाँ से हमने 1 फंदा बनाना है। धागे को ऐसे उठाएंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड के निडिल पे ले लेंगे। अब ये हमारा फंदा बन गया है, बाद में सिलाई को ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। ये हमारे 2 सीधे फंदे हैं, बस सीधे फंदे पे आपने ध्यान देना है, उल्टे फंदे तो हमारे वैसे ही बनेंगे जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। ये हमारे सीधे फंदे हैं, सबसे पहले हमने फंदों को सीधा करना है, सीधा करना हमने नहीं भूलना है। अब ये फंदे हमारे सीधे हो गए हैं, दोनों फंदों को हम वापस से लेफ्ट हैंड की निडिल पर ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पर हमारा 1 फंदा कम हो गया है। सिलाई से हम धागे को ऐसे उठाएंगे और वापस लेफ्ट हैंड के निडिल पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा बन गया है, बाद में इस फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और बैक लूप से इसको सीधा बुन लेंगे, बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे फंदे हमारे फिर से बराबर हो गए हैं, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके। सबसे पहले हमने 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारना है, फिर वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडिल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने यहाँ पे 1 लूप बनाना है,
इसको हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद इस फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे सीधे फंदे हैं। तो सबसे पहले हमने सीधे फंदे इस तरह से उतारना है, फिर वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है, यहाँ से एक लूप बनाएंगे इस तरीके से। बाद में इस लूप को लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है। बाद में इस फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और पीछे की तरफ से इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन देंगे। यहाँ पे हमारे डिज़ाइन की एक सिलाई बन गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बनाना तो हमने फर्स्ट रो की तरह है। सबसे पहले फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, शुरू में हमारे दो उल्टे फंदे हैं, इसको तो हम उल्टा ही बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये हमारे सीधे फंदे आ गए हैं। सबसे पहले दो फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, फिर वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये दोनों फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते। यहाँ पे एक फंदा हमारा कम हो गया है। अब यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है। सिलाई को ऐसे डालेंगे धागे के नीचे और इस तरीके से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये हमारा एक फंदा बन गया है। फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और पीछे की तरफ से इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमारे फिर से दो फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। सबसे पहले दो फंदों को हम सीधा करेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने यहाँ से एक फंदा उठाना है और इसको हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। बाद में इस फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। सबसे पहले दो फंदों को सीधे फंदे एक तरह से उतारेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। इस धागे में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये हमारा एक फंदा बन गया है। बाद में सिलाई को ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, लास्ट में एच के फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सीधी तरफ से एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एच के फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से दो फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। सबसे पहले दो फंदों को ऐसे सीधा कर लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ से हम एक लूप उठाएंगे, इस लूप को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये हमारा फंदा बन गया है, इसको हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब फिर से हमारे यहाँ पे दो फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। सबसे पहले दो फंदों को हम सीधा करेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया है। उसके बाद नीचे से सिलाई को डालेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद इस फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। सबसे पहले दो फंदों को हम सीधा कर लेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। दोनों फंदों में हम सिलाई को एक साथ ऐसे डालेंगे, पीछे की तरफ से दो फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। नीचे से धागा ऐसे उठाएंगे, इसको वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये हमारा एक फंदा बन गया है। इस फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और पीछे की तरफ से इसको हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। पहले हम दो फंदों को सीधा कर लेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। बाद में दोनों फंदों में हम सिलाई को डालेंगे एक साथ और बैक लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो फंदा यहाँ पे हमारा कम हो रहा है, साथ साथ हम फंदे को भी बढ़ा ले रहे हैं। सिलाई को हम धागे के नीचे ऐसे डालेंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अभी हमारा एक फंदा बन गया है। फंदे में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे
और पीछे की तरफ से इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फिर से रिपीट किया है। आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे डिज़ाइन आपको अच्छे से दिखाई देने लगेगा। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3-4 सिलाई और बना लिया है। अब हमारा पैटर्न थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इसी एक लाइन को बार बार रिपीट करते जाना है दोनों साइड में। तो फ्रेंड, जब आप इस एक लाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, कितना आसान और कितना सरल सा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।